नहीं रही, तब्दीलियां। क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मते मुस्लिमा को, तमाम आलम को। आज 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब तरीन नबी और पैगंबर रसूलल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न जो है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में इंतहाई अकीदत, एहतराम और बेलौस और इंतहा की मोहब्बत के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। और इस दफ़ा की ख़ास बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर हमेशा से 12 रबीउल अव्वल का जो एहतमाम है और जो इसका जश्न है वो सरकारी तौर पर तो मनाया जाता है, लेकिन इस बार, इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर ताकीद की है और ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के जश्न को मनाने के लिए बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, बहुत वसी पैमाने पर मुल्क भर में सरगर्मियों का जो है वो इनेकाद किया है। तो एक तो तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम अहले इस्लाम को और ख़ास तौर पे तमाम आलम को, कुल आलम को, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अल्लाह कहता है कि तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमों के लिए रहमत बना के भेजे गए और आखिरी नबी के तौर पर इस दुनिया में जो है वो भेजे गए। सो हम सब की मोहब्बत, हम सब की अकीदत, हम सब की जो खिदमत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। किसी की मोहब्बत पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आज के मुसलमान का जो अमल है, क्या आज के मुसलमान का जो किरदार है वो वाकई इस बात का इजहार करता है कि वो उस्वाए हसना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे पूरा उतरता है? क्या 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाना सिर्फ जुलूस निकालना, सिर्फ अकीदत का इजहार करना, नातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना, उनको पढ़ना, लोगों के साथ एक दिन के लिए इस जश्न को मनाना और कुमकुमें जलाना, क्या सिर्फ यहीं तक महदूद है या मुसलमानों को अपने किरदार से साबित करना पड़ेगा 365 दिन, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 365 दिन और तमाम उम्र के लिए, कि वो वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? और ये बड़ा मुश्किल काम है, सारी ज़िंदगी 365 दिन तमाम उम्र के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत, उन पर अपनी जान निछावर करना, अपने किरदार से साबित करना बड़ा मुश्किल है। हमारे लिए एक दिन का जश्न मनाना बड़ा आसान है, लेकिन इस मुश्किल काम को भी अंजाम देना है। कैसे अंजाम देना है और क्या आज मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे दुनिया भर में कहीं भी बसने वाला मुसलमान हो, क्या वो वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके किरदार पर पैरोकार है? इसी पर आज सवालात का और गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करेंगे। मेरे साथ बहुत बेहतरीन शख्सियात अपने अपने हवाले से जय्यद उलमाए कराम हैं, मुस्तनद दीनी रहनुमा हैं, उनसे आज हम इस खुसूसी प्रोग्राम में खुसूसी नशिस्त रखेंगे। सो सबसे पहले जनाब मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, यहाँ इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, जय्यद मोतबर इंतहाई काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब एक और इंतहाई मोतबर, इंतहाई मुस्तनद, इंतहाई काबिल एहतराम नाम है आलम इस्लाम का, वो मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। और मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, बहुत बड़ा नाम है दीनी तालीमात में, मजहबी रहनुमाई में, जय्यद और मोतबर नाम है, काबिल एहतराम हैं। आप तीनों रहनुमाओं को, मजहबी रहनुमाओं को मेरा अस्सलाम वालेकुम और तीनों को बहुत बहुत मुबारक आज 12 रबीउल अव्वल का जश्न। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इजहार सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के दिन कुमकुमें जलाकर,
जुलूस निकाल के, कुछ सबीले लगाकर, कुछ नाते पढ़ के ये इजहार कर देना सबसे आसान है एक दिन के लिए, ख़ासतौर पर मेरे जैसे नाकिस मुसलमान के लिए भी। बड़ा मुश्किल है कि हम सारी उम्र अपने किरदार से साबित करें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत तमाम उम्मत मुस्लिमा तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन को मुबारक हो। और आज निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मोहतरमा, बात यह है कि मोहब्बत एक कल्बी कैफियत का नाम है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है, इस हद तक कि अल्लाह के नबी की हदीस सिहा के अंदर मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में और दीगर मुस्तनद जो मेन स्ट्रीम बुक्स हैं उनमें मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन औ कमा कालन नबी, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक हरगिज़ मोमिन और मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक कि वह अपनी जान माल औलाद हर चीज़ से बढ़कर मुझसे प्यार न कर ले। इसलिए ये तो बिल्कुल ये कहना कि चंद लम्हों के लिए हमारे दिल में मोहब्बत हो, ये तो मैं समझता हूँ ये ईमान ही के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मोमिन का दिल मोमिन का सीना किसी लम्हे भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत से खाली रह ही नहीं सकता। और अगर जिस दिल में रसूलुल्लाह का प्यार ना हो वो दिल मोमिन का दिल नहीं हो सकता। अब रह गया मामला कि क्या 12 रबीउल अव्वल वाले दिन या इन अय्याम में हमारे ऊपर एक ख़ास कैफियत तारी होती है, बच्चा बच्चा बच्चे जवान बूढ़े सब अपनी बसात और कोशिश के मुताबिक अपनी हैसियत के मुताबिक रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो इस सिलसिले में दरअसल बात ये होती है कि बाज़ अय्याम जब लौट कर आते हैं तो अपने साथ बाज़ यादें और बाज़ नस्बतें भी लेकर आते हैं। जैसे हम सब पाकिस्तानी हैं, 360 दिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन आखिर सवाल पैदा होता है क्या वजह है कि सिर्फ 14 अगस्त को ही हमारे घरों में झंडे लहराते हैं, हमारी गाड़ियों पर झंडे आते हैं। दरअसल वो 14 अगस्त का दिन जब लौट के आता है तो वो जो शुहदाए आज़ादी हैं उनकी याद आती है, फिर उस पाकिस्तान की कदर के हवाले से हमारी तमाम लोगों की मिलकर कोशिश होती है कि हम इस चीज़ को अपनी नस्लों को एक खसूसी तौर पर उभारें कि वह अपनी वतन से प्यार करें। इसी तरह वैसे तो हर दिन ही मोमिन और मुस्लिम अल्लाह के नबी से प्यार करते हैं, उसे करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये योम विलादत रसूलुल्लाह का जब आता है 12 रबीउल अव्वल शरीफ तो ये दिन हुजूर की खसूसी याद लेकर आता है। और ये वो दिन है कि इस दिन को वो सारी यादें वापस आती हैं कि जब अल्लाह के रसूल दुनिया में आए तो वो क्या रंग लेकर आए, वो किस अंदाज से आए। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया मैंने उनको पलट के देखा, कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मुअत्तरन मुताहरन कान साजिदा, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा है, खतना किए हुए हैं, गुसल दिए हुए हैं, खुशबू लगे हुए हैं, और आते ही आपका सर अनवर सजदे में गिरा और आपने ज़मीन पर मुट्ठी में मिट्टी उठाई और फिर मैंने आपकी ज़ुबान से ये सुना, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती, यानी आते लम्हे ही अल्लाह के रसूल ने उम्मत को याद किया। तो हम उस घड़ियों को याद करते हैं कि वो खुसूसी जो आते ही हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए मोहब्बतों का इजहार किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वैसे तो हम सारा साल मोमिन हैं, सारा साल मुसलमान हैं, लेकिन इन दिनों में खुसूसी तौर पर याद इसलिए आती है कि ये दिन हुजूर की ज़ात के साथ खुसूसी तौर पर मंसूब है। हाँ, बात ये है कि हर मुसलमान को साल के 12 महीने बुराई से बचना चाहिए, साल के 12 महीने सदकात व खैरात करने चाहिए, साल के 12 महीने नातें पढ़नी चाहिए, साल के 12 महीने कुरान की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन अगर साल के 12 महीने कोई नहीं कर सकता, इन अय्याम में करता है तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, चलो कभी तो कर दिया इस दिन की बरकत से, चलो कुछ तो कर दिया, या मुसलमानियत याद तो आ गई, जी याद तो आ गई। ये हम जैसे नाकिस मुसलमानों के लिए, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब यही सवाल आपसे करूंगी, कितना मुश्किल है मुसलमान के लिए अपने किरदार से साबित करना कि वो वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, उनसे अकीदत करता है और वो उसे अपनी जानो माल, अपनी आल औलाद, अपने माँ बाप हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। कितना मुश्किल है आज के मुसलमान के लिए अपने किरदार से साबित करना, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुर्सलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। गुजारिश ये है कि जो आशिक होता है ना और जो गुलाम होता है उसकी अपनी मर्जी कोई नहीं होती है, बेशक
शेख सादी ने कहा है कि जो महबूब की गली का कुत्ता होता है उससे भी जो है बाकी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, और जो हमारा खालिक और मालिक है जिसने हमें पैदा किया है, हमारा रब है, उसने कुरान करीम में हमें बता दिया है कि हमारी मोहब्बत की इंतहा अपने आका अलैहिस्सलाम से क्या होनी चाहिए। बेशक जो हमारा खालिक हमें पैदा करने वाला है वो कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे महबूब अपनी उम्मत को बता दो, इनको बता दो कि मैं इनका खालिक हूँ, मालिक हूँ, राजिक हूँ, इनको इज्जतें देने वाला हूँ, इनको औलाद देने वाला हूँ, इनको अजमतें देने वाला हूँ, इनकी मुश्किलों को हल करने वाला हूँ। ये ममनून होंगे, मेरे साथ मोहब्बत करना चाहते होंगे कि लाजमी बात है कि मैं इनका रब हूँ, लेकिन इनको बता दो मुझे इनकी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे आपकी इत्तिबा चाहिए, और अगर ये आपकी इत्तिबा करेंगे तो फिर इनको अगला मरहला भी बता दें कि अगर ये आपके सच्चे गुलाम बन जाएंगे, आपके सच्चे आशिक बन जाएंगे, आपकी इत्तिबा करने वाले बन जाएंगे, तो फिर मैं खुद इनसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा, और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करूंगा भैया, फिर इनके गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। आज बिलाशुबा हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में आमद और हमारा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा होना ये किसी एजाज से कम नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम में इसको बयान किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला, हम सारी की सारी जिंदगी अगर सजदे में रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि उसने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया है, तो शुक्र अदा नहीं हो सकता, लेकिन मनाने के साथ अपनाने का जो मामला है वो बड़ा लाजिम है। और एक तरफ मैं ये दावा करूं कि मैं तो गुलाम हूं, मैं आशिक हूं, मैं आपका उम्मती हूं, दूसरी तरफ मैं चोरी भी करूं, मैं रिश्वत भी लूं, मैं झूठ भी बोलूं, मैं लोगों के हक भी खाऊं, मैं तमाम सारे आमाल वो करूं जिससे आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, मैं मिलावट भी करूं, कहा मन गश्या फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, उसे निकाल दिया अपने आप से, तो फिर मुझे बताइए ये मेरा दावा कितना सच्चा होगा। मेरे दावे के सच्चा होने के लिए जरूरी है कि चलो ज्यादा नहीं तो कम अज कम 10%, 15%, 20%, 50% कुछ तो मैं कोशिश करूँ, कोशिश तो पूरी की पूरी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ हो, आपके अहकामात के खिलाफ हो, आपकी सुन्नतों के खिलाफ हो, और मैं दावा करूं तो फिर इसका मतलब है कि ये दावा मेरी जुबान पर तो मौजूद है लेकिन इसको मैंने अमली तौर के ऊपर जो है वो अपने ऊपर नाफिज करने की कोशिश नहीं की है। और आखिरी बात अर्ज करूँ कि आका अलैहिस्सलाम की तालीमात और आपकी सुन्नतें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई शख्स अपने आप सहाबा को देखें, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, अहले बैत को देखें कि बिलाल हबशी जैसा गुलाम बेचारा जिसको कोई जीने नहीं देता था मक्का में, जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया फिर सब कुछ बर्दाश्त किया, सहाबा ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, अहले बैत ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया, लेकिन जब आपका इश्क सच्चा होता है, आपका यकीन कामिल होता है, तो फिर आप बहाने तलाश नहीं करते। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक बना दे और सच्चा गुलाम बना दे, लेकिन इसके लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये बहाना तलाश करके नहीं निकल जाना चाहिए कि जी बड़ी बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं ये दावा करता हूँ कि मैं आका अलैहिस्सलाम का आशिक गुलाम हूँ, मेरी जिंदगी उनके लिए है, मेरा जीना मरना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है, तो फिर मुझे कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर मेरे आका ने कहा है सच बोलो तो कोशिश तो करूँ सच बोलने की, बड़ा मुश्किल है मिलावट ना करूँ तो मिलावट ना करूँ, मैं बड़ा मुश्किल है मिलावट ना करना, कोशिश तो करूँ, बड़ा बड़ा मुश्किल है। मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी कि क्या वजह है कि हम और खासतौर पर पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान, हम सबसे ज्यादा उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज्यादा हम इस बात के दाई हैं और सबसे ज्यादा हमें इस बात का दावा है और फख्र है और गुरूर है, दुरुस्त है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं।
हैं, लेकिन उसके बावजूद जितनी देख लें बुराइयाँ और इल्लतें सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानियों में पाई जाती हैं, जो कि अलामत आए रशफी साहब ने भी वजाहत कर दी। चोरी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, करप्शन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, मिलावट हम करते हैं, हुकूकली बात का हम ध्यान नहीं रखते, जितनी भी बुराइयाँ हैं हम वो सब करते हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन बरक्स। लेकिन उसके साथ साथ हमें मोहब्बत का दावा सबसे ज़्यादा है, तो ये इतना बड़ा तजाद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और मेरे तमाम ये दोस्त जो अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब और बरादरम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब, उनको सलामी मोहब्बत पेश करता हूँ। देखें, गुजारिश ये है कि आइडियल सिचुएशन तो ये है कि हम मोहब्बत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करें। ये एक आइडियल सिचुएशन है एक मुसलमान के लिए कि वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी करे और रसूलुल्लाह के जो औसाफ़ हमीदा हैं उनके साथ प्यार करने के साथ आपकी सीरत तैयबा के साथ भी जो है वो उसी तरह वाबस्तगी रखे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके साथ जो एक हुब्बी और इश्की ताल्लुक है, इसकी एक जहत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उस पर अमल की जो है वो एक दूसरी जहत है। और ये सहाबे कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने में भी ऐसे ही हुआ कि जब एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिस्पॉन्स उस सहाबी से पूछा कि तुमने क़यामत के लिए तैयार क्या किया है, तो उस सहाबी ने यह अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मरउ मा मन अहब्बा, के शख्स जो है वो उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत का जो पहलू है इसको हम किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसी की बुनियाद पर देखें जिसके साथ अटैचमेंट होती है, दिल के साथ अटैचमेंट होती है, मोहब्बत होती है, पर उसकी एक एक चीज़ को जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है, तो ये बुनियाद बनती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मोहब्बत, आमाल की तरफ राग़िब करने की मोहब्बत जो है वो बनती है। इसकी बीसियों मिसालें दी जा सकती हैं। मैं ये समझता हूं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ और आपकी शख्सियत के साथ इस मोहब्बत के पहलू को जो है वो इस तरह जहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर एक शख्स मोहब्बत करता है तो वो उसके आमाल अच्छे नहीं है तो हम उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार ना हो। मोहब्बत एक अपनी दिल के अंदर की कैफियत का नाम है, दिमाग की कैफियत का नाम है और अमल जो है वो एक दूसरी कैफियत का नाम है। मैं ये समझता हूं कि हम जिस तरफ इस सोसाइटी को और बतौर खास हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो इसको अपनाया है, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा जबरदस्त जो है वो यानी एक अमल हम देखने को हमें मिल रहा है कि जगह जगह पर रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत और रसूलुल्लाह के साथ जो है वो इश्क जो है उसको यानी प्रोमिनेंटली लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। देखिए, शैतानी कुव्वतें तो यही चाहती हैं कि हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल से निकाल दें, जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये फाक कश के मौत से डरता नहीं रहा, रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये जो रूए मोहम्मद है वो मोहब्बत और इश्क की सूरत में मौजूद है और इस्तेमार इसको निकालना चाहता है, एंटी इस्लाम फोर्सेज इसको निकालना चाहती है, पाकिस्तान के साथ जो है वो यानी दुश्मनी करने वाले इसको निकालना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत खुश आइंद है, इसको कम अज कम अप्रिशिएट करना चाहिए और आमाल की तरफ हमें जो है वो अपनी जनरेशन को और अपने लोगों को मुतवज्जे करना चाहिए कि हम मोहब्बत के साथ साथ सीरत को भी जो है वो अपनाएं। बिल्कुल दुरुस्त। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, मुफ्ती गुलजार नईमी साहब एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और वापस जब आएंगे तो एक और बड़ा अहम सवाल कि क्या आज 12 रबीउल अव्वल के दिन हम इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्या आज रियासत मदीना, बातें तो बहुत की जाती हैं, 3 साल से गुज़श्ता हम सुन रहे हैं कि रियासत मदीना अमल में लाई जाएगी, उसकी तश्कील उसकी तर्ज पर पाकिस्तान की रियासत को ढाला जाएगा, क्या वाकई आज रियासत मदीना के तसव्वुर के मुताबिक पाकिस्तान उस सूरत हाल में है? ये सवाल करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। 12 रबीउल अव्वल का आज दिन तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले इस्लाम को, कुल आलम को बहुत बहुत मुबारक हो आज का जश्न। और इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती गुलजार नईमी साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, ये सवाल मैं आपके पास सबसे पहले लेकर आना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं रियासत मदीना के हवाले से पाकिस्तान का, पाकिस्तान की एक बार फिर से तश्कील नौ की जाएगी, रियासत मदीना का तसव्वुर उसकी तर्ज पे इस रियासत को ढाला जाएगा। गुज़श्ता 3 साल से हम ये बातें बहुत सुन रहे हैं, तो आज 12 रबीउल अव्वल के इस पुरमुसरत मौके पे, इस मुबारक मौके पे ज़रा एक बार झांक लेते हैं कि क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने इस रियासत को रियासत मदीना के मुताबिक कुछ ढाला है कम अज़ कम। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, देखिए मैं गुजारिश करूँ कि रियासत मदीना मुनव्वरा बनाने के लिए सिर्फ हुक्मरानों का ऐलान काफ़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, वो जरदारी साहब हों या कोई और भी हो, कौम इसके लिए तैयार है क्या? 70 सालों से हम ये नारा लगाते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं निज़ाम मुस्तवा हो, खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम हो। बिल्कुल। लेकिन सच्ची बात ये है कि अभी तक हम इसके लिए, हमारी ना कौम तैयार है ना हमारा सिस्टम तैयार है। हमारा आइन जो है वो कहता है कि ये आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है। सिर्फ आप हदूदुल्लाह नाफिज अगर कर दें तो आपके यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? बच्चों और बच्चियों के रेप जो हो रहे हैं, ये आपके यहाँ एक बड़ा मसला है इस वक्त। मैं समझता हूँ मेरे नजदीक सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है, रियासत मदीना बनाने के लिए हम सबको मेहनत करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन एक अजम का दिन है कि अगर मैं वाकई चाहता हूँ कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा की तरफ की रियासत बने, तो इसका आगाज मैं अपनी जात और अपने घर से करूँ। रियासत मदीना जो है जिसमें इंसाफ दहलीज पे मिलता है, बाजार में नहीं मिलता। आज तो गरीब आदमी कोई अदालत नहीं जा सकता है, हमारा निजाम अदल जिस जहाँ पे पहुंच चुका है, आज कोई पुलिस के पास नहीं जा सकता है। इमरान खान साहब एक आवाज लगा रहे हैं, एक मुअज्जिन अजान की आवाज लगाता है, अल्लाह अकबर की सदा देता है, इमाम खड़ा होके नमाज पढ़ाता है, लेकिन उसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। माशाल्लाह इधर हनीफ कुरैशी साहब हैं, हमारे नईमी साहब हैं, इनके अगर आप इज्तिमा देखें तो वो लाखों में होंगे, लेकिन जब इलेक्शन आएगा, इसी तरह दिगर लोगों के, मौलाना तारिक जमील साहब देख लें और हजरात देख लें, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो वोट देते हुए कौम जो है मौलवी को वोट नहीं देगी, शेखुल हदीस को वोट नहीं देगी, मुफ्ती को वोट नहीं देगी। वो कहेगी जी थाना कौन हमारा सीधा कर सकता है, हमारी कचहरी कौन सीधी कर सकता है, हमारा पटवारी कौन सीधा करेगा, हमारा जो है मोहल्ले का जो आप देख ले, आपके यहाँ पूरा निजाम है, बरादरी बेस है, बदमाशी बेस है, बाकी क्या है। तो जरूरत इस बात की है कि जो बात हम कह रहे हैं, बासियत कौम और बासियत लीडरशिप, लीडरशिप को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा अपने उन लोगों से जो आपकी जान के दरपे थे कि मैं कौन हूँ, तो उनने कहा आप सादिक और अमीन हैं। हिजरत की रात आप देखें कि आप सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जाते हैं और आप मानते हैं, किनकी मानते हैं आपके पास, जो आपको मक्का से निकालने के नहीं, आपके माजल्ला कत्ल के दर पे है। आपने क्या किया? आपने कहा अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ और ये मक्का वालों की अमानतें सुबह इनको वापस करके तुम मदीना मुनव्वरा आ जाना। ये नहीं किया, ये तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं और मुझे हिजरत पे मजबूर कर रहे हैं, तो मैं इनकी अमानतें क्यों वापस करूं? किरदार साजी जो है वो हुक्मरानों की भी जरूरत है और वो कौम की भी जरूरत है, वो मेरी भी जरूरत है, वो बाकी लोगों की भी जरूरत है। जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे, उस तरफ जो है, ये नारा तो बहुत अच्छा है और ये नारा हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं, हमने भुट्टो साहब के पहले भी पढ़ा है और देखा है क्या हुआ, उसके बाद भी देखा है, मुशर्रफ साहब के दौर में 73 इतनी तादाद में कभी उलमा नहीं आए थे इस पार्लियामेंट में, 73 से ज्यादा सीटें थी मजहबी कुव्वतों के पास, एक लाइन भी नहीं आप इस मुल्क के अंदर ला सके। तो उसके लिए
कॉल और फेल और अमल जो है इन तीनों को एक जगह लाना होगा। बड़ी अहम बात की अलामत आई रशफी साहब ने। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। रियासत मदीना का नारा तो बहुत लगाया जाता रहा है, लेकिन क्या वजह है कि उसका अमली तसव्वुर, बल्कि तसव्वुर से आगे बढ़ के उसके अमली इकदाम नजर नहीं आए? देखें, बुनियादी वजह तो यह है कि यहाँ पर मैं फिर वही बात करूँगा कि हमारी मिन खैसुल कौम हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें हुक्मरान और दीगर वो कुव्वतें जो हुक्मरानों को चला रही हैं वो इसमें सर फहरिस्त हैं, क्योंकि हम अपने जो कायद का वीन था कि हम एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल करके वहाँ इस्लाम की आज़ादी के साथ प्रैक्टिस कर सकें। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमारे यहाँ इस्लाम की प्रैक्टिस के लिए क्या क्या इदारे बनाए गए, यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ तो उल्टा माशाल्लाह रियासत मदीना की नारे लगाने वालों ने मदारिस इस्लामिया पर कदगन लगा दिया। यहाँ जहाँ से इस्लाम की आवाज़ उठती थी अब उन गल्लों को दबाने के लिए जो है ना वो कोशिशें की जा रही हैं, और इसके अलावा हर उस चीज़ पर कदगन लगाया जा रहा है कि जो इस्लामी निज़ाम के हवाले से आवाज़ उठाती है। मैं यहाँ एक चीज़ बहन आपकी वसात से अर्ज़ करना चाहूँ कि जो आलम कुफ्र है, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, उनको हमारी बातों से कोई चेड़ नहीं है, ना उनको नमाज से कोई प्रॉब्लम है, ना दाढ़ी से प्रॉब्लम है, ना उनको पगड़ी से प्रॉब्लम है, ना उनको हमारे मिसवाक, ना लोटे से, ना मुसल्ले से। अगर इन चीज़ों से उनको प्रॉब्लम होती तो सब यूरोप में आलीशान मस्जिदें ना होती, कैनेडा अमेरिका में बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर हो कई कई एकड़स पर जो है ना वो खड़े ना होते। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी एंटी इस्लाम ताकतें हैं उनको हमारी इबादतों से परेशानी नहीं, उनको अगर परेशानी है तो इस्लामी निज़ाम से परेशानी है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब इस्लामी निज़ाम आएगा तो इस्लामी निज़ाम अपने अंदर वो हुसन रखता है कि इसको देखकर फिर किसी को मौलवी साहब को तकरीर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, वो सिर्फ उस हुसन अमल को देख कर ही लोग कलमे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बुनियादी चीज़ ये है। मैं तैर रशफी साहब ने एक बात ठीक कही है कि मैं ऐसल कौम, आप अपनी कौम की जो है ना वो रहनुमाई सही नहीं कर सके, लेकिन यहाँ हमें इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि कौम वोटें देती है उलमा को, लेकिन वो ख़त्म हो जाती हैं, वो डब्बों के अंदर से गायब हो जाती हैं। 50 लाख वोटें हमारी एक मजहबी जमात ने ली हैं, बताएं आपने उसको सीटें कितनी दी हैं? एक सीट भी नहीं है। 50 लाख वोट, आप ही का इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब 50 लाख वोटें उन्होंने ली हैं, तो ये सब क्या है? एक पोलिंग स्टेशन पर 10 बंदे भी दूसरी जमात के नहीं थे, कुल्लो हम एक उसी मजहबी जमात के लिए लोग खड़े थे, और जब रिजल्ट आउट होते हैं तो 8 वोटें वहां से निकलती हैं। ये बहुत सारे चीजों में हम घिरे हुए हैं, हम ऐसी ताकतों के अंदर घिरे हुए हैं कि जो पूरी कुव्वत के साथ इस्लामी निज़ाम को दबाना और रोकना चाहती हैं। मैं जहाँ तक एक बात ज़रूरी आपकी वसात से प्रोग्राम की करना चाहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हमें उनको अच्छा कहना चाहिए, जो बुरी चीज़ें हमें उनको हाईलाइट करना चाहिए, और मीडिया का मकसद ही इन्फॉर्म्स का यही होता है। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से अच्छा इसलिए कह रहे हैं ताकि आगे मजीद ये लोग अच्छा करें। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब, और इसके अलावा खैबर के PK की जो गवर्नमेंट है उनको मैं तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत के इजहार के हवाले से रियासती सतह पर किया। देखें, एक चीज़ है, हम यहाँ लाखों बंदे बाहर निकल कर दुरूद शरीफ पढ़ दें, जो मर्जी करें, ये इंटरनेशनली इतना हाईलाइट नहीं होता, लेकिन जब रियासत की तरफ से इतना भी कह दिया जाए कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बाशहादत की खुशी में ये काम सरकारी तौर पर किया जाएगा, वो इंटरनेशनली आता है, वो एक इंटरनेशनली ये चीज़ हाईलाइट होती है कि यार ये लोग वाकई रियासत मदीना है और यहाँ पाकिस्तान है, तो और ये लोग आप मुतमईन हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इकदाम से, जी इस साल के जो अच्छा है वो है, लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे साथ जो हो रहा है माशाल्लाह वो तो आपके सामने अल्लाह ही किसी और नशिस्त में, जी वो किसी और में, लेकिन आज मिलाद शरीफ के हवाले से मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बाज हमारी यहाँ बैड गवर्नेंस इस गवर्नमेंट में हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही है, निचली सतह पर बिल्कुल जिसका जिधर मुंह कर रहा है वो काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, वक्फा लेते हैं फिर वापस आते हैं।
आज जश्न 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उलमाए कराम के साथ जो है वो जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती गुलजार नईमी साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, यही सवाल एक मुख्तलिफ पैराए के साथ कि आपको नजर आता है कि रियासत मदीना के हवाले से जो बयानात हैं, जो ऐलानात हैं, जैसे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी फरमाया, गुज़श्ता 3 साल में ज़बानी कलामी तो सुनने में बहुत आए हैं और जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ है तब से हम यही सुनते हैं कि जी इस्लामी फलाही मुमलिकत जो कि आईन में दर्ज है, लेकिन क्या वजह है कि रियासत मदीना के तसव्वुर पे, उसके तर्ज पे पाकिस्तान वो इस्लामी फलाही मुमलिकत में ढल नहीं सका। अब मिसाल के तौर पे हुकूमत ने अभी कल परसों जो है वो डी चौक पे महफिल समा और कवाली जो है उसका इनेकाद किया। अच्छी अच्छी बात है, खूबसूरत बात है कि ये महफिल समा व कवाली हुकूमत ने मुनाकिद करवाई सरकारी तौर पे, लेकिन दूसरी जानब उसी दिन पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में जो खौफनाक इजाफा हुआ तो अवाम पे सवाल उठाने पे मजबूर हो गए कि जी आप महफिल समा व कवाली तो करवा रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल का जश्न तो आप मना रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं कि आपने रियासत मदीना के तर्ज पे अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाई या मजीद अजीरन कर दी। मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, जो मजहबी कंट्रोल्ड पॉलिसी जो है वो ये नहीं होनी चाहिए और मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अहले मजहब को जो है वो उसी तरह हमें जो है वो बिल्कुल खुला छोड़ना चाहिए जिस तरह हमने लिबरल्स को जो है वो छोड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटियों में उनको छोड़ा हुआ है, हमने जो है वो कॉलेजेस को छोड़ा हुआ है और उनके लिए तमाम दरवाजे खुले रखे हुए हैं। तो रियासत मदीना का जो तसव्वुर है उसमें ये होना चाहिए कि अहले मजहब को अपनी तालीमात की बुनियाद पर उन्हें भी हक देना चाहिए कि वो भी अपनी इन खूबसूरत तालीमात को हर जगह पर पहुंचाने में उनको किसी किस्म की कदगन जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी जो है वो इसकी यानी आप ये कहें कि मुखालफत नहीं करूंगा, समा का अगर एहतमाम किया है तो वो दुरुस्त तरीके से किया है, यानी कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट अगर होता तो मैं ये समझता हूं कि सब लोग उसको अप्रिशिएट करते, लेकिन अगर कवाली का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के हवाले से किया जा रहा है तो इस पर हम मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारा किरदार तो ऐसा है, हम ऐसे हैं। देखिए मामला ये है कि हम ये चाहते हैं इस मुल्क में रियासत मदीना का ये तसव्वुर है कि अहले मजहब को बिल्कुल जो है वो अच्छे अंदाज से उनको फैसिलिटेट किया जाए। मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, माजरत यहाँ पे आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो कि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हम पहुंच रहे हैं सो मैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से भी और उसके बाद मुफ्ती गुलजार नईमी साहब से आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आज का बाबरकत दिन है तो मुख्तसर सी कुछ दुआ जो है वो जरूर करवा दें और प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से दुरूद शरीफ की दुरूद शरीफ पढ़वा कर। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, एक छोटी सी दुआ, मुख्तसर सी दुआ प्रोग्राम के अख्तिताम पर। बस जी, मैं समझता हूँ कि जो दुरूद शरीफ है वही सबसे बड़ी दुआ है, तो हम सबको जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको दुरूद इब्राहिमी जो है या कोई भी दुरूद शरीफ जो उन्हें आता है वो पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और पाकिस्तान को हकीकी तौर पर जो है मदीना मुनव्वरा की तरह की रियासत जो है वो बनाने की जो है हुक्मरानों को भी और कौम को भी तौफीक दे ताकि यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ हो और ये जो हमारे मसाइल और मुश्किलात हैं ये हल हो। आमीन। मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, एक मुख्तसर सी दुआ आपकी जानिब से। जी मैं सिर्फ ये गुजारे करना चाहूंगा आज अहले पाकिस्तान से कि आज जो है वो 12 रबीउल अव्वल है, रसूलुल्लाह की आमद है। हम ये नहीं कहते कि आप जुलूसों में शिरकत करें, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे मुताबिक करें, हम ये कहते हैं रसूलुल्लाह का जिक्र करें, अपने घरों को रसूलुल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करें, रसूलुल्लाह की उसके साथ जो है वो दुआएं मांगे और रसूलुल्लाह की नाते पढ़वाएं, अपने बच्चों को जिस तरह भी कर सकते हैं, अपनी नस्ल को कर सकते हैं आप करें, इससे जो है वो सबका भला है, इससे रियासत का भला है और हम सब जो है वो रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजने के साथ जो है वो उनकी आफियत में चले जाएंगे और रसूलुल्लाह की रहमत के साए में जो है वो हम चले जाएंगे। बेशक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, प्रोग्राम का अख्तिताम अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने भी दुरूद पाक जो है वो पढ़ा, आप भी पढ़ दीजिए ताकि इसके बाद प्रोग्राम का अख्तिताम किया जा सके। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ए कायनात बनाने वाले रब,
तू ने ये सारी कायनात अपने महबूब सैयद आलम रहमतुल्लालमी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लमा की खातर तश्कील दी है। उन्हीं की ज़ात, उन्हीं के नाम, उन्हीं की सूरत, उन्हीं की सीरत के वास्ते और वसीले से उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस अहलियाने पाकिस्तान पर अपना करम फरमा और हम तमाम लोगों को ऐसा बना कि तुझे भी हम पसंद आएँ और तेरे महबूब को भी पसंद आ जाएँ, और हर उस काम से बचा जो तुझे नापसंद हो और तेरा महबूब उस काम से नफरत करता हो। जिंदगी रहे तो तेरे महबूब का जिक्र करते रहें, और जब दमे वापसी हो तो उसके कलमे पे दम निकले, और कब्र और हशर में रसूलुल्लाह का कुर्ब और उनकी पहचान अता फरमा, और कयामत के दिन उनकी शफाते उज़्मा से हम सबको बहरमंद फरमा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अल्लामा ताहिर रशीफ़ साहब, मुफ्ती गुलजार नईमी साहब, एक बार फिर आपको, आज का तमाम अहले पाकिस्तान को, अहले इस्लाम को, तमाम आलम को आज रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बासआदत का जश्न बेहद मुबारक हो। मैं आपको इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।